गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 93 सीटों पर डाले गए वोट। 14 जिलों की 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए बनाए गए करीब 26,000 मतदान केंद्र, वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारें। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मतदान, अहमदाबाद में लाइन में लगकर डाला वोट। अहमदाबाद के रानीप में निशान पब्लिक स्कूल में वोट डालने के बाद पीएम ने मीडिया से की बात, लगे मोदी मोदी के नारे। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी डाला वोट, अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में किया मतदान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वोट डालने के बाद कहा, आज गुजरात में लोकशाही पर्व मनाया जा रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की जनता से की अपील, शांतिपूर्ण तरीके से भारी मतदान करने पर दिया जोर। अपने परिवार के साथ वोट डालने बूथ पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद के नारायणपुरा में डाला वोट। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी डाला वोट, अहमदाबाद के नारायणपुरा में किया मतदान। वोट डालने के बाद परिवार के साथ मंदिर पहुंचे अमित शाह, भगवान का लिया आशीर्वाद। अमित शाह ने वोटर से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की, कहा शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली पार्टी को वोट दें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी वोट डालने गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद में किया मतदान, कहा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वोट डालने पहुंची, अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में किया मतदान। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने भी किया मतदान, अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राइमरी स्कूल में डाला वोट। हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल ने भी डाला वोट, अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राइमरी स्कूल में किया मतदान। मतदान से पहले हार्दिक पटेल ने लिया भगवान का आशीर्वाद, पत्नी किंजल पटेल ने भी की पूजा पाठ। कर रहे थे वो प्रिपरेशन अब खत्म हो चुकी है और आज एग्जाम का दिन है और दो दिन के बाद रिजल्ट भी है, तो काफी उम्मीदें हैं कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने किया मतदान, व्हीलचेयर से गांधीनगर के बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी किया मतदान, अहमदाबाद में डाला वोट। दूसरे चरण की सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने 90 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। गुजरात के कांग्रेस उम्मीदवार कांति खराड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप, 15 किलोमीटर भागकर जान बचाने का किया दावा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, सैफई में पोलिंग बूथ पर आया अखिलेश यादव, मताधिकार का किया इस्तेमाल। दूसरे चरण में गुजरात के 2,51,00,000 वोटर्स, इनमें 1,29,00,000 पुरुष मतदाता और 1,22,00,000 महिला मतदाता। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर, सीएम भूपेंद्र पटेल की किस्मत का होगा फैसला, घाट लोडिया विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरे चरण की वोटिंग में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की किस्मत का भी होगा फैसला, वीरमगाम सीट से बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे अल्पेश ठाकुर, दूसरे चरण की वोटिंग से होगा जीत हार का फैसला। कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी वडगाम सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा जेतपुर सीट से है मैदान में, दोनों सीटों पर हुई वोटिंग।
गुजरात में अब नतीजे का इंतजार, दोपहर 3 बजे तक पड़े 50.51% पड़े वोट। दोपहर 3 बजे तक अहमदाबाद में 44.67% हुई वोटिंग, आनंद में 53.75% हुआ मतदान। दोपहर 3 बजे तक बनासकांठा में 55.52% हुई वोटिंग, अरावली में 54.19% हुआ मतदान। दोपहर 3 बजे तक दाहोद में 46% से ज्यादा, गांधीनगर में 52% से ज्यादा मतदान। दोपहर 3 बजे तक मेहसाणा में 51.33%, तो वडोदरा में 49.69% हुआ मतदान। 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी हुआ मतदान। मैनपुरी से डिंपल यादव है एसपी उम्मीदवार। उपचुनाव में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा यूपी पुलिस समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट देने से रोक रही है। मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं है, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कहा रामपुर में लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुआ मतदान, समाजवादी पार्टी ने असीम रजा और बीजेपी ने आकाश सक्सेना को बनाया अपना उम्मीदवार। बिहार की कुंडी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग, जेडीयू उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच मुकाबला। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर भी हुआ मतदान, बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम ने डाला वोट। राजस्थान की सरदारशहर विधानसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव, मतदान खत्म। ओडिशा की पदमपुर सीट के लिए भी हुआ मतदान, बीजेडी और बीजेपी में सीधी टक्कर। 8 दिसंबर को आएंगे गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के नतीजे, बीजेपी कांग्रेस आपके बीच कड़ा मुकाबला। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, फिर हिमाचल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, कहा बीजेपी तोड़ेगी चलन। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बैठक में 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, राज्यों के बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी महासचिव ले रहे हैं हिस्सा। बीजेपी की बैठक में विधानसभा चुनावों की होगी समीक्षा, अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर होगी चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक, दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। गांधी स्मृति पर पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक, अर्पित की श्रद्धांजलि, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल से भी हुई मुलाकात। भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंची जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई मुलाकात। जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयशंकर ने जर्मनी के साथ यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरिहा शाह नाम की बच्ची से जुड़े मामले पर जताई चिंता, कहा हमारा दूतावास जर्मन अधिकारियों के साथ इस विषय पर कर रहा है काम। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर मराठा समाज में गुस्सा, औरंगाबाद में मंत्री अतुल सावे के घर के बाहर किया प्रदर्शन, राज्यपाल पर शिवाजी के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली दौरे पर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। संत परमहंस की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से अपील, लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरह खत्म करने की मांग।
जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, लश्करे तायबा का विरोध। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखी राहुल गांधी की गांधीगिरी, मोदी मोदी के नारे लगा रहे लोगों को दी फ्लाइंग किस। वीडियो उस समय का है जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गुजर रही थी भारत जोड़ो यात्रा, वायरल हुआ राहुल गांधी का वीडियो। कांग्रेस नेताओं ने जताई राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की उम्मीद, सीएम गहलोत बोले जनता के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान समर्थन में लगा नारा बना सियासी मुद्दा, एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी पर हमले के जवाब में कमलनाथ ने दी बीजेपी आरएसएस को खुली चुनौती, कहा राहुल से धर्म अध्यात्म पर कर लें बहस। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन रहा सफल, बेटे तेजस्वी ने दी जानकारी। ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने बताया किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने के बाद लालू यादव को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। किडनी डोनर रोहिणी आचार्य भी हैं स्वस्थ। पटना में लालू प्रसाद यादव की सेहत के लिए किया गया महामृत्युंजय जाप, आरजेडी समर्थकों ने हवन कर की लालू यादव के ठीक होने की कामना। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में हुए धमाके की बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की है, शुभेंद्र अधिकारी ने जांच के लिए लिखा पत्र। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू, एसबीआई की 29 शाखाओं पर खरीद सकेंगे लोग। विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों का किया अभिवादन, काफिले में अपनी गाड़ी से उतरकर कुछ मीटर पैदल चली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में की शिरकत, मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने शॉल और तिरुपति बालाजी की तस्वीर भेंट कर राष्ट्रपति मुर्मू को किया सम्मानित। राम की नगरी अयोध्या से आई गुड न्यूज, राम मंदिर निर्माण और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से फूलों का कारोबार बढ़ा, फूल बेचने वालों के चेहरे पर आई मुस्कान। श्रीनगर में एनजीओ की मदद से कॉलेज में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के जरिए छात्रों को ड्रग्स के खतरे से किया गया आगाह। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएसएफ ने मनाया अपना 98वां स्थापना दिवस, शानदार परेड और भव्य झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय रहे मौजूद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ, स्थानीय उत्पादों के बाजार का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर 75 जिलों में चलाई सफाई अभियान, 75 घंटों तक नगर निगम ने कराया सफाई। क्लीन एयर सर्वे में लखनऊ ने मारी बाजी, हाल ही में हुए सर्वेक्षण में यूपी की राजधानी लखनऊ को मिला पहला स्थान।